नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जो आज उपाय मैं आपको बताऊं, वह उपाय मंत्र से आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। मकर संक्रांति से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। इस दिन से वसंत अर्थों की शुरुआत होती है और भारत में इसे फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, साथ में इसे यह भी कह सकते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है, जो कि बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन या उपाय या फिर यह चीज जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप उन चीजों को दान करते हो। दोस्तों, यदि मकर संक्रांति के दिन आप ये चीज दान कर देते हो तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको 100 हाथियों की दान करने के बराबर का फल हासिल होता है। दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि मकर संक्रांति पूरे भारत में केवल और केवल एक ही साल में केवल और एक बार ही मनाई जाती है। यह मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन यदि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए यह वह पूर्ण हो जाती है और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो देखना होगा, तभी आप मकर संक्रांति के संपूर्ण जानकारी आपको हासिल हो सकती है। और प्रत्येक बात को आप ध्यान से जो उपाय मैं आपको बताता हूं वह उपाय करने मात्र से आपको धन लाभ संपत्ति लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि और आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कई सालों से चल रहा है आजकल, दोस्तों ये तो आप बड़े ही आसानी से जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। आजकल के जमाने में भाई भाई से लड़ रहा है। दोस्तों, इसका और केवल एक ही कारण है कि आज के जमाने में दोस्तों हर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। और आपके घर में जो क्लेश मचा हुआ है या फिर आप बहुत गरीब हो तो आप पैसे वाले बन जाओगे। दोस्तों, पर संक्रांति के दिन यह उपाय को आपको अवश्य करना होगा, तभी आपको लाभ की हासिल ही हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं, मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की हासिल ही हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन यदि ये उपाय में से अपनी एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए, आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कॉमेंट करके अवश्य बताना। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति अभी तक मैंने जो उपाय बताए हैं उन उपायों से उन्हें धन की हासिली हुई है, ऐश्वर्या की हासिली हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। दोस्तों, पर इसके लिए आपको जिस तरह से मैं उपाय बताता हूं उसी तरह से करना है। दोस्तों, मैं अभी दीपावली पर भी मैंने कुछ ऐसे ही उपाय बताए थे जिनसे कई व्यक्तियों को धन लाभ की हासिली हुई है। दोस्तों, आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हो, उन्होंने हमें ग्रुप इसका बताया है कि उन्हें धन लाभ की हासिल हुई है। तो दोस्तों, हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, ऐसे करें स्नान मकर संक्रांति पर सूर्य शनि देव से। नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल हासिल होता है। दोस्तों, यदि आप ऐसे स्नान लेते हो तो आप परमान लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्य की कृपा होती है। चलिए अब जान लेते हैं, अगला उपाय हवन से होगा। ये लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दे मान्यता है। इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है और घर में धन संपत्ति का बड़े ही ऐश्वर्या के साथ आगमन होता है और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आपका मंत्र का जब सुबह सुबह नहा धोकर आप स्नान कर ही मां गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। और ध्यान रखें कि आप यह कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण अवश्य करें। सूर्य को अर्घ्य सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ समझा जाता है।
सूर्यदेव को लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की चमकता है। हमारे इष्ट सूर्यदेव मंत्र सूर्यदेव नहीं है, बल्कि यह भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो शनिदेव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करती हैं। इसलिए आप सूर्यदेव को पूजा अवश्य करें, और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की हासिल ही होती है। 14 सुहाग सामग्री। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म निभाती है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती है। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान सुहाग की सामग्री। 14 की संख्या में ऐसा समझा जाता है कि आप यह सामग्री केवल और केवल मकर संक्रांति के दिन ले आते हैं, तो आपकी पतिदेव पर कोई संकट नहीं आता। और ऐसा भी समझा जाता है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है, यदि मकर संक्रांति के दिन घर में यह चीज ले आती है, तो माता रानी की ऐसी कृपा होती है, जो फल आपको करवा चौथ पर नहीं मिल पाता, वह फल इसी समय भी मिल जाता है। इसलिए यह 14 की चीज घर में अवश्य लाना चाहिए दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन सी चीजों का दान करने मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल की हासिल होती है। दोस्तों, ऐसी कुछ या फिर अतुल्य चीज है जिनका हर किसी के घर में यह चीज अवश्य होती है, और यदि वह इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती, और वह व्यक्ति हमेशा धनी ही रहता है। और जिसके घर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर में भी माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वह बातें प्रमाणित हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं यह उपाय को पहले भी कई बार बताया है कि यदि आप इन चीजों का कोई विशिष्ट त्योहार के दिन यदि आप इन चीजों दान कर देते हैं, तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, और प्रत्येक देवी देवता की आप पर कृपा होती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का खास महत्व है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुद और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है। व्यक्ति धनवान बनता है दोस्तों। तो दोस्तों, जानकारी बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दें, क्योंकि हम अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आपको कुछ ऐसी अचूक और आसान उपाय बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या, जैसे कि आपके जीवन में आपका बच्चा या बच्ची आगे पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ने में कमजोर है, तो आप जो भी समस्या हो, क्योंकि हम आपके कमेंट को खास रूप से देखते हैं और उस आपके लिए रिप्लाई भी करते हैं, इस आप कमेंट जरूर करें या फिर जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे कौन से पशु पक्षियों की सेवा करनी, मात्र से भी आपको जो मनोकामना है वह पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ समझा जाता है। इससे आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं, काला तेल या मकर संक्रांति के दिन इतना अच्छा समझा जाता है, और इससे हमें लाभ की हासिली, धन की हासिली, ऐश्वर्य की हासिली कैसे हो सकती है, यह भी जान लेते हैं। काला तिल करेगा कमाल। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल परिवार के उत्तर दिशा में फेंका वार कर मान्यात है। इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि अब मैं बात करने वाला हूं पितृ हमारे पूर्वज होते हैं उनके बारे में। दोस्तों, यदि पितरों को आप प्रसन्न कर लेते हो तो आपका जीवन तो वैसे ही धन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वह हमें प्रत्येक देखते हैं और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि साल भर यदि आपको पितरों को खुश रखना है, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं, परिवार में वंश होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, बरकत होती है। दोस्तों, मैं अब आपको घी का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि एक महा उपाय है। जिस जिस व्यक्ति इस उपाय को किया है वह व्यक्ति आज तक खाली नहीं गया। घी का सेवन मकर संक्रांति पर, घी का सेवन
और दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की हासिल होती है। दोस्तों, आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन यह चीज घर में अवश्य लेकर आना है। दोस्तों, यदि आप ऐसा कर लेते, यकीन मानिए, आप महालक्ष्मी की कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो आपके घर लेकर अवश्य आना है। घर लाएं ये चीजें मकर संक्रांति पर। तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तेल, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ समझा जाता है। इससे तरक्की होती है, व्यापार का विस्तार होता है। दोस्तों, आपको ये बताना चाहूंगा कि आप मकर संक्रांति पर झाड़ू ले आते हैं। दोस्तों, आपको ये तो ही होगा कि जो झाड़ू होती है, इसमें धर्म में ऐसा समझा जाता है कि महालक्ष्मी का मे बस होता है। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसे ये जानकारी ना होगी कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि झाड़ू का एकमात्र ऐसा उपाय भी है जिसे करनी मात्र से हर एक व्यक्ति धनी बन सकता है। दोस्तों, वह उपाय भी आपको, चलिए मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैं आपको वो उपाय भी बता देता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, मकर के दिन एक झाड़ू ले आना है बाजार से, जो कि आपको दिन में आप कभी भी ला सकते हैं। झाड़ू को लाने के पश्चात आपको क्या करना है, आपके पूरे नई झाड़ू से झाड़ू लगा लेना है। और झाड़ू लगाने के पश्चात दोस्तों, आपको एक छोटा सा काम करना है। वह कार्य यह है कि आपको जो झाड़ू लेकर आए हैं, उसी झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। और उसी सिक्के को रखने के पश्चात आगे आपको क्या करना है, उसी सिक्के को सुबह हो जाए, जब अगला हो जाए, तो उसके पश्चात उसी सिक्के को निकाल कर रख लेना है। दोस्तों, उसके पश्चात उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख लेना। दोस्तों, इसे रखने के पश्चात आपको कुछ नहीं करना। अब आप 10 से 15 दिन में ही देख लेना, आप पर ऐसी की बारिश होगी जिसका आपने पूरे जीवन में नहीं सोचा होगा। जिस तरह से आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान होगी। दोस्तों, अब तक आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है, कौन से उपाय मकर संक्रांति के दिन करने से हमें लाभ की हासिल ही हो सकती है, या किसी और दिन भी इन उपायों को कर सकते हैं कि नहीं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम लोग मकर संक्रांति के महा उपाय को लेकर के बात करेंगे, जो कि मैं पूछ की कथा से ही सुना है और आप तरीके से बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। घर होता है, यदि इस घर की तरक्की रुक गई है ना, तो उसका कोई कारण होता है। वह कारण क्या है, यदि आपके घर में साहस जो है वह बहू से लड़ाई कर रही है, जो बहू है वह सास से लड़ाई कर रही है, भाई भाई लड़ रहा है, पत्नी पति से लड़ रही है, तो यदि कुछ इस तरीके से महाबली खाने का मतलब, यदि आपके घर में क्लेश जैसा कोई माहौल है, तो आपके घर में ना लक्ष्मी रुकेगी, ना कभी आपके घर की होगी, ना ही तरक्की होगी। तो यदि कुछ ऐसा माहौल आपके घर में है, लड़ाई झगड़ा बहुत सुंदर सा उपाय, परंतु हमेशा की तरह कहूंगा कि वीडियो लाइक अवश्य करिए। और आवाज पहली बार सुन रहे हैं, कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बता दें, जिससे कि हम आपकी राशि के अनुसार कुछ आपको ऐसे उपाय बता सकें, जिनसे आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बता सकें जिससे आपको खास हो सके। क्योंकि हम राशि के अनुसार वह उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो और आप पर धन लक्ष्मी यानी कि महालक्ष्मी की कृपा हो। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपको लेना है अच्छे तरीके से, या फिर मार्केट में पाउडर के रूप में आपको इसे बना लेना है। दोस्तों, बनाने के पश्चात आपको क्या करना है कि मैं दोनों आपको काले तिल और दूसरी हल्दी की पुनः आपको दोनों को पीस लेना है, और पीस कर मिलने के पश्चात आपको क्या करना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, दोनों को आपको एक ही लोटा मिलकर की पीस, आप उन दोनों को ही मिल लेना। यहां पर सुनिएगा, सामान बस इतना ही लेना है, उपाय यहीं से शुरू होता है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, एक लोटा लीजिएगा, ठीक है, ये लोटा स्टील का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, सोने का हो, आपकी इच्छा। दोस्तों, इसके पश्चात आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लोटा ले लेना है। लोटा लेने के पश्चात आपको उसे अच्छे से साफ कर लेना है, या फिर आप इसे अच्छे पानी से धो सकते हैं। धोने के पश्चात आपको इसमें जो हम अच्छा पानी ले लेना है, पानी अच्छा का मतलब है जो किसी का झूठ ना हो और बिल्कुल सही एवं अच्छा पानी हो, ऐसा पानी आपको ले लेना है। लेने के पश्चात आपको इसमें, और जिसे हम कल काली काली तिल भी कहते हैं, उसे आपको ले लेना है, और दोनों को आपको पहले से ही उन्हें उठ करके कर लेना है।
यानी कि उन्हें उन दोनों को आपको पीस लेना है और पीस लेने के पश्चात दोनों को आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के पश्चात यानी कि दोस्तों आपको ये भी बता दो एक तरह से हमें इन दोनों को मिक्स कर लेना है। दोस्तों मिक्स करने के पश्चात आपको क्या करना है, इन दोनों को जिसमें आपने पानी भरा हुआ है जो कि शुद्ध जल होना चाहिए उसमें इन्हें डाल लेना है। डालने के पश्चात को क्या करना है, डालने के पश्चात आपके घर में शिवलिंग हो या आपके घर से कहीं दूर शिवलिंग हो वहां पर जाना है और वहां पर जाने पश्चात आपको सबसे पहले महादेव यानी कि भगवान शिवलिंग के पास उसे लॉट को करीब 5 मिनट तक रख देना है और रखने के पश्चात आपको आगे क्या करना है। दोस्तों आपको ये देखना है कि शिवलिंग पर बेलपत्र या फिर उन्हें शिवलिंग के पास नीचे यानी कि कुछ रखा ना हो। ये देखने के पश्चात आपको यदि कुछ रखा है तो उसे एक रख दें और रखने के पश्चात आपको क्या करना है, जो आप लौटा लेकर आए हैं उसे लौटे में अपने हल्दी और काले तिल होते हैं उनको शंकर यानी कि भगवान शंकर की शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे कर चढ़ा देना है और साथ में आपको अपनी मनोकामना भी बोलते रहना है। आप अपने मन में मनोकामना भूल सकती हैं और आप देख लेना यह उपाय आपको दिन में आपका भी कर सकते हैं पर दिन केवल एक ही निर्धारित किया गया है और वह ये दिन के बारे में दोस्तों आपसे खास रूप से बताना चाहूंगा कि आपको यह उपाय केवल और केवल मकर संक्रांति के दिन ही करना है। आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, पूरे के पूरे दिन में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा अभी तक हमारी किसी ने ऐसा नहीं बताया है कि इस उपाय को शाम में करना चाहिए या सुबह सुबह ही करना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने की बात आप देख लेना, 10 से 15 दिन में ही देख लेना। आप घर में जो क्लेश मचा हुआ था या जो लड़ाई झगड़ा चल रही है या फिर जो घर में पैसे की कमी चल रही है वह प्रत्येक कमी दूर हो जाएगी और आप पर महालक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा करने से आप पर भगवान की कृपा होगी, माँ पार्वती की कृपा होगी। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी जो भोलेनाथ होते हैं वह बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और जिस भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया उसके बारे में न्यारे हो जाते हैं, ये तो हर कोई जानता है। तो दोस्तों आपको मकर संक्रांति के दिन बस इस उपाय को अवश्य करना है। और दोस्तों आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा, दोस्तों हम इस ज्ञान को पैसों के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचा सकते थे पर हमारा संकल्प है कि हमारे भारत भूमि में यह जानकारी फ्री में हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर भारतीय नागरिक तक पहुंचे, इसलिए हम इस जानकारी को आपके लिए फ्री में लेकर आते हैं। दोस्तों आपसे एक और करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र या फैमिली फ्रेंडों से अवश्य शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इतनी जानवर्धक जानकारी हासिल हो सके और उनकी जिंदगी में जो चल रही परेशानियां वह खत्म हो सके यानी कि उन परेशानियों से वह जीवन भर के लिए मुक्त हो सके। दोस्तों इसलिए आप किसी की जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अवश्य शेयर करें और भारत की यह वीडियो को शेयर करें जिससे कि हर हमारी माताएं एवं बहनों एवं हर एक घर के परिवार का हो और वह अपने जीवन में सफलता को छुए। दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, दोस्तों अभी तक जी जिसने इस उपाय को किया है, इस उपाय को करने मात्र से ही उन्हें 10 से 15 दिन में इस उपाय से उन्हें लाभ की हासिली हुई है। दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, दोस्तों इस उपाय को केवल और केवल वही व्यक्ति करें जो भगवान पर आस्था रखता है यानी कि जो भगवान को सच में मानता है। दोस्तों यह उपाय उन लोगों के लिए कोई भी लाभ नहीं दे सकता जो भगवान मानते नहीं है या फिर जिनको भगवान पर विश्वास ही नहीं है। दोस्तों यह तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो भगवान को नहीं मानता वह इन उपायों को करने मात्र से लाभ की हासिल ही कैसे हो सकती है। दोस्तों इसलिए इस उपाय को वही व्यक्ति करें जो भगवान को मानता हो। दोस्तों आपको जो उपाय मैंने बताया है वह उपाय का फल आपको तभी मिल सकता है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।